देश में महिलाओं की सुरक्षा आज प्रमुख एजेंडे के तौर पर देखी जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार लगातार हमला कर रहे हैं। देश में महिलाओं के साथ जुर्म होता देख गाजियाबाद पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस ने जिले के विभिन्न स्कूलों के आसपास एंटी रोमियो अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की और रोक कर उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्यों स्कूल के आसपास घूम रहे हैं। पुलिस ने इस अभियान में दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। युवतियों के साथ जिस तरह का अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया हुआ है। किस तरीके से स्क्वाड काम कर रहा है और कहां कहां ये एक्टिव रहता है? एंटी रोमियो स्क्वाड महिला थाना इंस्पेक्टर मौजूद हैं और जगह जगह सभी थानों में ये आदेश हैं देहात और सिटी में कि मॉर्निंग वॉक के समय सुबह सायंकाल और बच्चों की स्कूल आते और जाते समय ऐसे मनचले टाइप के व्यक्ति स्कूलों के आसपास खड़े पाए जाते हैं। फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं मिल पा रही है और हम जनता में ये विश्वास पैदा करना चाहते हैं महिलाएं, बेटियां, बहनें, माताएं सुरक्षित रहें और वो हम पर विश्वास करें कि हम रातों दिन उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। ऐसी कोई घटना नहीं मिलेंगी, ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी हमारे जनपद में और सुरक्षा उनको वो सुरक्षित महसूस करें इस टाइप से हम लोग रातों दिन इस कार्य में लगे हैं। एंटी स्क्वाड सादे ड्रेस में और वर्दी में हमारे